कि बिहार में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ या महागठबंधन के साथ, दोनों में से किसी एक खेमे के साथ रहने पर जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कोई बयान नहीं दे रहे हैं, भाजपा पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आ रहा है, अच्छा संबंध नहीं रख रहे हैं, दोनों में किस तरह का कोई खटास है। देखे नहीं आ रहा, हमें साथ में लेके गए, हम बोले बक्सर में कहीं लेके गए जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कई खबरों के साथ हाजिर हैं। बाबा के साथ चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे तेजस्वी ने नीतीश को किया साइड, आखिर कौन सा मामला है, क्यों तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं। देखिए सनी, 5 महीने पहले जो सरकार बनी थी उसमें बहुत सारे वादे हुए थे, चाचा भतीजा का रिश्ता, लेकिन पटीदारी बहुत दिन तक निभाता नहीं है जी। पटीदारी में आप देखिए कि अक्सर बंटवारे को लेकर के बड़ा झमेला होता है, और हालांकि उसका असर बहुत जबरदस्त नहीं है, अगर 1 इंच इधर उधर 1 इंच उधर हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है उससे आपको फायदा, लेकिन मानसिकता होती है कि हम उसका थोड़ा सा अगर हिस्सा ले ले तो हम बड़े कहलाएंगे जी। बिल्कुल इसी अंदाज में आप समझिए कि एक समझौते के तहत ये सरकार बनी थी, लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें सरकार हिचको ले रही है जी। कई सारी बातें हुई, हमने पंचनामा में भी सुना कि आप लोग लगातार कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये इतना ही ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ लंबा समय तक चलेंगे, 24-25 का साथ में चुनाव लड़ेंगे जी, तो फिर 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में, 3 राज्यों का घोषणा हुआ है, उसमें अलग अलग क्यों है? क्या उन राज्यों के सीट के आने से इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने पर असर नहीं पड़ेगा, इनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने में नहीं होगा जी? अगर दोनों मिल करके लड़ते तो उसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन यहीं से तेजस्वी यादव की टीम ने अलग कर दिया है नीतीश कुमार को जी। और कई राज्य हैं जिन राज्यों में चुनाव अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं। मतलब महागठबंधन जो नीतीश कुमार बना रहे थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। उस महागठबंधन की तो अभी चर्चा ही नहीं होनी है, क्योंकि उस गठबंधन से तो आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया और उसका जवाब कैसा दे रहे हैं जी। भैया आपके घर में शादी ब्याह हो और आप नहीं पूछिए, आप नहीं जाइए, अलग बात है, कल भी ये बात हम बताए थे, आप नहीं पूछिए तो निश्चित रूप से अगले को तकलीफ होनी चाहिए। कितना मतलब का कहा जाए, एकदम माने सारी बातों को खत्म करके आसानी से नीतीश कुमार कह गया कि अरे उनको उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। भाई मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम आप कहला बुलाए थे उनको, आप सरकारी कार्यक्रम में बुलाए थे, केसीआर तो यहां भी आए थे जी, और आपका हाथ पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, किसने नहीं देखा है। लेकिन वहां अगर आपका हाथ पकड़ के 3 बार बैठा दिए रहते तो ये समझ में आता कि आपके प्रति उनकी सोच अच्छी है जी, लेकिन वहां तो आपको बुलाए तक नहीं। और आप शब्द तो बड़ा अजीब है, उस पर कितना चल रहा है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये सारी चीजें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बैठे बैठे देख रहे हैं जी। और केसीआर आए भी तो किसके बुलावे पर आए? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के बुलावे पर आए थे, और तेजस्वी यादव को उन्होंने नीतीश कुमार के चलते नहीं बुलाया। अगर बुलाया भी होगा, निमंत्रण दिया भी होगा, तो तेजस्वी यादव उस बात को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से घोषणा कर दिया कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें हम अपने 10-11 कैंडिडेट खड़े करेंगे, और उसके प्रभारी जी अब पता ना कौन है, श्याम रजक है जी, उस राज्य के प्रभारी श्याम रजक है, वही श्याम रजक जिसको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में बड़ा बेइज्जत किया था, उद्योग विवाद दिए थे और कुछ करने देवे नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से छोड़ के चले गए। और चले गए तो अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर वो पकने वाला जो स्थिति है ना वो पक रहा है, और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को साइड कर लिया। भाजपा का होगा सीएम, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया है। देखिए ये बड़ा ही माने अजीब तरह का दावा है और परिस्थिति पैदा करने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी आस्था जो है वो बता रहे हैं महागठबंधन में जी, लेकिन इधर पिछले आप 1 महीना से देखे होइएगा दोनों के बीच में तल्खी जो बढ़ी है जी, और उस तल्खी में टारगेट एक दूसरे को किया जा रहा है, जो भाषा आप देख रहे थे इससे बड़ी बड़ी बातें ना हो गई हैं जी जी, लेकिन उन बड़ी बातों में आप बड़े बयान नहीं आए थे, लेकिन अब उन बड़ी बातों में बड़े बयान आना, और कई मैं सुन रहा था संपादक नमन मिश्रा जी बोल रहे थे कि ललन सिंह आखिर हैं कहाँ, ललन सिंह कोई बयान नहीं दे रहे हैं, भाजपा पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ
पूरी तरह से आप नजर आ रहा होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी को कम और राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा टारगेट जदयू के नेता कर रहे हैं जी। पूरा माहौल बन गया है, चाहे सुधाकर सिंह का मामला हो या फिर चंद्रशेखर का मामला हो, ये दोनों ही मामले जो है पूरी तरह से एकदम मैंने उबाल पर है, उफान पर है। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण किसी ने चर्चा मुझसे किया जी, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ अच्छा संबंध नहीं रख रहे हैं, दोनों में किस तरह का कोई खटास है। देखे ना यार, हमें साथ में लेके गए, हम बक्सर में कहा नहीं लेके गए जी। तो बक्सर में नहीं लेकर के गए, बक्सर में थोड़ा सा दूर था। अच्छा, इसलिए लेकर के गए आप, मैंने उनको बताया भी, मैंने खबर भी किया इस पर कि वो इसलिए लेकर के गए कि चूंकि आरा के भोजपुर के वो प्रभारी मंत्री हैं जी, और वहां जो आप खबर में कल दिखा रहे थे कि पर्दा लगा हुआ है, वही दिखाने के लिए ले गए थे कि आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन आपके प्रभारी होने के साथ साथ यहाँ देखिए स्थितियां क्या है कि पर्दे से छुपाना पड़ता है हकीकत को। हकीकत को इसका मतलब सीधा था कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बराबर टारगेट किया जा रहा है, और इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ सनी, कि भारतीय जनता पार्टी एकदम मैंने बको ध्यान लगा करके एकदम जिस तरह से नहीं बंसी लगा करके इंतजार किया था मछली कब फंसेगी, एकदम उसकी तैयारी चल रही है। और आपने जो बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी आप देखिए कि बयान बदले हैं, तरीका बदले हैं हमला करने के, और उस पर सीधा सीधा आप देखिएगा कि कई ऐसे नेता हैं, कई मंत्री, कई सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी दावे के साथ कहा है कि बिहार में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। अगर नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री बनने के जो उनका उत्कंठा थी उसको त्याग देते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो ज़्यादा कंफर्टेबल पहले भी महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। और एक बार फिर से कंफर्टेबल महसूस करने के लिए उस खेमे में जा सकते हैं। कई नेताओं के बयान आपने सुने, जैसे अशोक चौधरी हैं जी, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, इसके अलावा आपने देखा कि विजय कुमार चौधरी हैं, ये सारे लोग जो बयान दे रहे हैं उन बयानों में साफ झलक रहा है कि या तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ कम बात करना या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमले कम करना, इसमें सीधा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन ध्वस्त होता नजर आ रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। मांझी, सहनी और कुशवाहा तीनों सेट हो गए। देखिए, दो बातें यहाँ सामने नजर आ रही हैं। एक कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बड़ी बात कही जा रही थी जी, और यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा 40 में से 40 सीट है और दूसरा 243 सीट है, उसको लेकर के वो किसी को भी अपने पक्ष में कर सकती है। और सबका अंतिम लक्ष्य क्या है, किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। भारतीय जनता पार्टी के साथ या महागठबंधन के साथ दोनों में से किसी एक खेमे के साथ रहने पर जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को ऑफर मिलेगा और जीतने की संभावना ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, निश्चित रूप से वो बंधा हुआ तो है नहीं। जब एग्रीमेंट के साथ सरकार में आते हैं नीतीश कुमार, ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री यही होंगे कितना भी सीट इनको मिले, तब वो एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या है, छोटी पार्टियां हैं, अब अपने हिसाब से अपना काम करती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब इनका जो प्रभाव है वो मैं दो लाइन से बताऊंगा कि सर्द रातें बढ़ा देती हैं सूखे पत्तों की कीमत जी, सर्द रातें बढ़ा देती हैं सूखे पत्तों की कीमत, वक्त का वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, समय सबका बदलता है। ये जो छोटे छोटे दल हैं अब इतने प्रासंगिक हो गए हैं कि अगर ये नीतीश कुमार का साथ 2020 में ही छोड़ दिए होते जी, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, तो सरकार नहीं बनती, आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे जी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है, और जो बार बार हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो इसके लिए 2024 और 25 का चुनाव पूरी तरह से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछाया है, और जाल में कौन कौन फंसेंगे ये तीन तो नजर आ ही रहे हैं। अगर इन तीनों को एक तरफ रखा भी जाए तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार पर भारी पड़ेंगे, और अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो फिर महागठबंधन भारी पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं इस रातों रात में हमने आपको बताया कि मांझी, सहनी और कुशवाहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। वहीं अगर बात करें
तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को साइड किया है और बिहार के बाहर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386